हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी मेनिया। तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पार्ट 1 मई का डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम मुख्यतः 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आर्टिकल आपका क्या है, नीडेड अ पैंडेमिक पेटेंट टूल। ये किससे रिलेटेड है? ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब क्या है इसका, बौद्धिक संपदा अधिकारों का से रिलेटेड आर्टिकल है। तो हम जान लेते हैं क्या इस आर्टिकल में कह रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया गया। तो ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? इसी दिन जो हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1970 में क्या बोलते हैं अस्तित्व में आया था, वो इसी दिन इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसलिए मनाते हैं। और ये दोस्तों जो आपका वीपो हमने बात किया अभी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और क्या है फ्रेंड्स, तो हम जान लेते हैं आगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। हमने बात की बौद्धिक संपदा की, तो बौद्धिक संपदा जैसे आप देख रहे हैं कि बौद्धिक मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो है जो आपके दिमाग से उपजी हुई है, और समझ रहे हैं, जैसे कोई भी चीज़, मतलब कोई इन्वेंशन कर रहे हैं आप, या कोई भी ऐसा कोई चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आप कोई किताब लिख रहे हैं, या फिर कोई कला क्षेत्र में कोई पेंटिंग बना रहे हैं, या फिर कोई सिंबल ऐसा बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे कोई, जैसे आपने कार का सिंबल लिखा होगा ऑडी, कमर्सिडीज़ का, या फिर कोई पर्टिकुलर नाम है, जैसे मान लीजिए अंबानी या फिर रिलायंस वगैरह हो गया, तो वो उनका एक पर्टिकुलर नाम है उसका, वो भी मतलब एक उनका उसमें जो है राइट होगा। और क्या है, इमेज, मान लीजिए कोई इमेज है तो वो भी जो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। तो मतलब इन सब का जब आपका कमर्शियल पर्पस के लिए कोई भी इस्तेमाल करता है, तो वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। तो इन्हीं सब को जो है एक अधिकार दिया जाता है ताकि और कोई इसका इस्तेमाल जो है कर ना सके। तो इसी के चलते इसमें कई ग्रुप होते हैं जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए इसका नाम आपको प्रोवाइड किया गया है। तो जैसे आपका पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेड सीक्रेट्स हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हो गया। तो ये सब आपका जो है ये होता है इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। तो ये, और फिर हम इसमें जो इस पार्टिकल में बात क्या कर रहे हैं, पेटेंट की बात कर रहे हैं। तो पेटेंट क्या होता है फ्रेंड्स? ये मतलब एक जो एक लीगल राइट प्रोवाइड करता है ओनर्स को, कोई भी जो है आपका प्रोडक्ट है या फिर कोई इन्वेंशन है जो है, मेनली कि कोई भी इन्वेंशन है, तो उसका कोई उसका मतलब उस पर सेल करने का, उसको इम्पोर्ट करने का, उसको कुछ भी करने का एक लिमिटेड पीरियड के लिए जो है होता है। इसको बार 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 आपका जो पेटेंट जो है रिन्यू कराना होता है। तो ये आपका पेटेंट हो गया फ्रेंड्स। और फिर क्या है आगे, आप क्या बात करते हैं इस आर्टिकल में? इस आर्टिकल में वही बात करते हैं कि पेटेंट जो है क्या है। पेटेंट मतलब वही कि एक आपका एक मीन्स लिमिटेड आपका जो है एकाधिकार जो है प्रोवाइड करता है किसी भी जो भी इन्वेंटर है उसका, ताकि जो है उसको पब्लिक के लिए वो इस्तेमाल कर सके। फिर आगे बात करते हैं कि ऐसे पेटेंट राइट्स को जो है पब्लिक के लिए ओपन करना चाहिए ताकि इसमें फर्दर रिसर्च भी जो है हो सके। और फिर क्या बात करती हैं आगे ये बात करती हैं इसमें कि हाँ, कि अभी COVID-19 के पर्सपेक्टिव में बात कर रही हैं कि जैसे अगर इसको रोकना है COVID-19 को, तो वैक्सीनेशन जो है और आपका मेडिसिन वगैरह एक प्रॉपर मेडिसिन का डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो लेकिन उसके लिए अभी कम से कम 6 से 10 महीने जो है कम से कम लगेंगे, मिनिमम की बात कर रही हैं। और उसके बाद भी जो है ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि जब मान लीजिए कोई भी कंपनी इसको जो है इन्वेंट कोई भी आपका वैक्सीन है मेडिसिन जो है बनाती है, फिर उसको मैन्युफैक्चरर को देगी, फिर एक सप्लाई चेन क्रिएट किया जाएगा उसमें, तो इसका एक लॉन्ग प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। तो उसके लिए अभी फिर क्या है, अगर इसी कोई भी मान लीजिए कोई भी कंपनी बनाती है तो उसका उस पर पेटेंट राइट होगा। तो क्या इस पर इससे जो है एक जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है वो सर्व हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? और क्या फिर आगे बात करती हैं कि जो का पेटेंट राइट दिया जाता है, ये क्या समाज के लिए जो है इस समय जो है क्या ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा? और फिर आगे बात करती हैं कि पेटेंट राइट में आगे कौन कौन से जुड़े हुए इससे जो है चैलेंजेस हैं, क्या हैं, वो फिर आगे बात करती हैं। और फिर आगे कहती हैं कि जो भी अगर पेटेंट मान लीजिए इस पर कोई मेडिसिन या फिर वैक्सीन बनती है, अगर फिर उस पर कोई हिंड्रेंस क्रिएट करता है आगे, तो फिर जो भी ये पैंडेमिक हुआ है फिर उसको कंटेन करने में एक काफ़ी प्रॉब्लम होगा हमारे इसमें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्री हैं उनको एक कोलेबोरेट करना चाहिए ताकि पूरा विश्व जो है उससे जो है एक लाभान्वित हो सके।
और इसी के चलते इसमें हमारे ट्रिप्स, एक ट्रिप्स समझौता है। क्या है ट्रिप्स, समझा लेते हैं। ये आपका ट्रेड, तो क्या है आपका ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये वही है फ्रेंड्स कि ये इंटेलेक्चुअल एक कोई वही लीगल कहते हैं मिस है एग्रीमेंट जो आपका WTO है, आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसी के अंतर्गत आता है। जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या बोलते हैं, उन्हीं के मध्य ये जो है समझौता हुआ है। और ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड तय करता है और ये हर अलग अलग गवर्नमेंट का उसमें होता है, ताकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जितने भी मेंबर्स हैं उनमें उनका तय हो सके, उनके उनका इंश्योर हो सके। ये आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है ये होता है। और ये कब आपका जो है मिस आया था अस्तित्व में, ये आपका 1989 1990 जब आपका गैट का समझौता हो रहा था, मिस जो आपका उरुग्वे राउंड्स था जो है गैट, अभी हम जानेंगे कि गैट क्या होता है, तो उसी में जो है ट्रिप्स को जो है स्टैब्लिश किया गया था। तो गैट क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था, ताकि जो अमंग कंट्रीज़ ट्रेड है उसको जो है आसानी से हो सके जो अलग कंट्रीज, क्योंकि उस समय इंडिया में भी बहुत जो एक क्या बोलते हैं टैरिफ कंट्री लगा रहे थे, ताकि जो है उनकी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उन टैरिफ को जो है फेज मैनर में और अलग अलग कंट्रीज़ में जैसे उनकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग उसको कम करने की बात करते थे, या आपके गैट में। तो इसमें बहुत सारे समझौते हुए थे और उसी के बाद 1995 में जो आपका WTO जो है हुआ था स्टैब्लिश। तो ये इसी के बाद जो है, मतलब वो आप कह सकते हैं कि जो WTO है ये इसका जो है सक्सेसर है। ठीक है, हाँ, तो ये है। तो ये फ्रेंड्स आपका ये है। ठीक है, आगे क्या बात करते हैं, तो इसमें बात करते हैं कि जो है ट्रिप्स समझौते में भी जब आपका जो है हुआ था, तब भी उसमें एक कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात की गई थी। तो कंपलसरी क्या होता है लाइसेंसिंग, ये फ्रेंड्स जो है, जो जितनी मैंने भी बात की आपसे कि IPR जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये प्रोवाइड करता है किसी भी पर्सन को, राइट देता है ताकि कोई और उसका इस्तेमाल ना कर सके किसी लिमिटेड पीरियड, टाइम पीरियड के लिए। तो लेकिन ये उसमें एक्सेप्शन होता है आपका कंपलसरी लाइसेंस, मतलब आप जो है लाइसेंस प्रोवाइड कर दीजिए जितने भी, मान लीजिए कोई और है जो बनाए हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है, मान लीजिए आपका जो है कोई भी मेडिसिन बना रहा है, मान लीजिए कोई रैन बैक्सी, अगर मान लीजिए फॉलोइंग मान लेते हैं एग्जाम्पल, उन्होंने कोई मेडिसिन बनाया, तो जो और भी आपके जो है मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको जो है राइट दे दिया जाए, उनको मीन्स कुछ लाइसेंसिंग दिया जाए ताकि वो भी बनाएं, ताकि जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है जो है उसको सर्व किया जा सके। और फिर उसमें कुछ फीस भी जो है, जो हमारे जो भी मान लीजिए हमने बात की भी कि रैन बैक्सी को, तो उसमें उनको कुछ फीस दिया जाता है उसके एवज पे। तो ये आपका जो है कंपलसरी आपका जो मीन्स लाइसेंसिंग है वो है इसमें आपका, इसमें ट्रिप्स उसमें जो है एग्रीमेंट में आया था। तो इससे क्या होगा, इससे जो एक मीन्स आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पेटेंट सिस्टम है जो है अलग अलग चीज़ों का, वो इंश्योर तक जो उसकी एक गरिमा है और जो एक उसका एक मीन्स है जो, तो वो आगे जो है इंश्योर हो सकेगा। क्योंकि ऐसे मौके पे जो है जैसे हम मान रहे हैं कि पैंडेमिक है, तो इस समय जो है कुछ जो भी चीज़ें हैं उसको एक लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में जो है लाना बहुत आवश्यक है, तभी इसको कंटेन किया जा सकता है। आगे बात करते हैं कि और आगे का बात करते हैं कि एक और एक ये सोल्यूशन जो है बताती हैं कि पेटेंट टूल का जो है कॉन्सेप्ट बताती हैं, पेटेंट टूल क्या है। और फिर आगे ऐसी हमारे बात करती हैं कैसे, क्या उसका मैकेनिज्म है, कैसे उसको स्टैब्लिश किया जाए। और अभी हमारा जो मीन्स करंट कॉन्टेक्स्ट है, हमारा जो COVID-19 के कंटेंट में, तो उसमें क्या है। ठीक है, तो क्या है आपका पेटेंट टूल जो है कॉन्सेप्ट, हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये सिंपल क्या है कि जितने भी पेटेंट्स हैं आपके किसी भी स्पेसिफिक एरिया से, या फिर कोई भी आपका है, ठीक है, तो वो उन सब का जो है क्या बोलते हैं, एक जैसे मान लीजिए कोई कोई भी मान लीजिए एक्स है तो उनका एक इन्वेंशन है, वाई है उनका इन्वेंशन है, सी है उनका इन्वेंशन है, तो सबका एक पूलिंग कर देते हैं, मतलब एक एक तरीके से ऐसे मान लीजिए बना देते हैं, और फिर उनको जो है एडमिनिस्टर किया जाता है और लाइसेंसिंग दिया जाता है दूसरे लोगों को, दूसरे मतलब मान लीजिए XYZ का जो है एक पूलिंग की गई है, उन्होंने कुछ इन्वेंशन किया हुआ है, तो मान लीजिए कोई ए या बी पर्सन है वो जो है उसी चीज़ को बनाना चाह रहा है, तो फिर उनको जो है प्रॉपरली जो है लाइसेंस दिया जाएगा, और एक कुछ भी और जो भी रॉयल्टी वगैरह जो भी लाइसेंस फीस वगैरह होता है उसको तय किया जाता है आपका पेटेंट टूल के माध्यम से। तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि ताकि जो है एक जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है उसको सर्व किया जा सके,
और ये जनरली किस में होता है, ये आपका जनरली टेलीकॉम सेक्टर में और डिजिटल जो आपका डिजिटल इनोवेशन होते हैं उसमें ज़्यादा ये जो है प्रिवेलेंट है फ्रेंड। तो अभी COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई भी वैक्सीन या फिर मेडिसिन जो है डेवलप होती है तो उसमें पेटेंट टूल का इस्तेमाल अगर करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारे पूरे विश्व में जो है जो भी, क्योंकि हम जानते हैं कि 188 कंट्रीज़ में हमारा COVID-19 फैला हुआ है, तो इससे हर कंट्री जो है इससे लाभान्वित होगी। तो आगे क्या कहते हैं इसमें, आगे बात करती हैं कि किस तरह जो है इसको जो है लागू किया जाए। तो इससे क्या होगा, एक जो मीन्स हमने बात की करते हैं जो लाइसेंसिंग वगैरह हैं और जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको प्रोवाइड किया जाए, और इससे जो है फिर एक जो मेडिसिन है वो जल्दी अवेलेबल हो जाएगी लोगों को। क्योंकि हमने बात किया जब अगर मान लीजिए मेडिसिन और वैक्सीन डेवलप होती भी है तो उसके बाद भी काफ़ी समय लगता है उसको जो है सप्लाई चेन में जो है आने में। तो ये है, ये इसमें जो है कर सकते हैं। और जो जो भी इससे मीन्स आपका फीस होगा, जो भी आपका लाइसेंसिंग फ़ी होगा, वो फिर जितने भी आपके इन्वेंटर्स हैं उनको उनको जो है क्या बोलते हैं पार्टिकुलरली उनको जो है डिसबर्स कर दिया जाए ताकि उनको भी फ़ायदा हो और फिर बाद में वो ऑब्जेक्शन भी ना लगा सकें। और क्या है, और कहते हैं कि जो है अगर इस क्राइसिस को हम लोगों से लड़ना है, हम लोगों को लड़ना है तो कलेक्टिवली एफर्ट जो है बहुत आवश्यक है, तभी इससे हम लोग लड़ सकते हैं। और बात करती हैं कि ये पूलिंग ऑफ पेटेंट जो है हमने बात किया अभी, ये हमारा एक दोहा डिक्लेरेशन है, ट्रिप्स जो हमने बात की था अभी ट्रिप्स, उसी समझौते के अंतर्गत ये 2001 में जो है आया था। इसमें भी इसमें यही बात करते हैं कि पेटेंट राइट को जो है क्या बोलते हैं, एक कुछ समय के लिए जो है कोई भी एसेंशियल आपका मेडिसिन है उसके पर उसको जो है मतलब कि मान लीजिए पब्लिक में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी भी पार्टिकुलर सिचुएशन में तो उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो ये दोहा डिक्लेरेशन में ये आया था पहले भी। तो अंत में क्या बात करती हैं, अंत में बात करती हैं कि आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है पैंडेमिक पेटेंट टूल जो हमने बात की है ये ग्लोबल लेवल पर जो है होना चाहिए, ताकि जो जो भी हमारे इनोवेटर्स हैं, जो हमारे इन्वेशंस हैं, उसके उन सब पूरे विश्व को एक लाभ हो। क्योंकि एक पार्टिकुलर कंट्री की बात बात ना करें, इसमें जो भी हमारे मान लीजिए इसको पेटेंट टूल को जो है बनाया जाए और एक एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तय किया जाए, और एक कोई भी आपका जो भी रिकॉग्नाइज्ड आपका इंटरनेशनल एजेंसी है जैसे मान लीजिए WHO ही है, तो वो जो है आगे जाए और इसमें रूल्स तय करे ताकि पूरा विश्व इससे जो है लाभान्वित हो। तो ये हमारा कंसेप्ट था। एक नेक्स्ट क्या है आर्टिकल, नेक्स्ट छोटा सा आर्टिकल है आपका US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो पहले ये जान लेते हैं ये क्या है फ्रेंड्स। तो ये हमारा यूनाइटेड नेशन जो हमारी कंट्री है उन्हीं का एक संस्था है इसमें, तो जिसको 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था, एक उनके यहाँ एक्ट है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, उसी के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका इसका प्रिंस एक जो मुख्य आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, वो आपका मतलब पूरे विश्व में जो है कहीं भी अगर रिलीजियस फ्रीडम का जो है वॉयलेशन हो रहा है तो उस पर रिपोर्ट बनाना, उस पर पॉलिसी और उस पर रिकमेंड करना, ये इनका काम होता है मेनली। और किसको रिकमेंड करना, जो भी मीन्स USA के प्रेसिडेंट हैं और सेक्रेटरी हैं और जो उनका पार्लियामेंट है उनको रिकमेंड करना। तो ये है, तो ये पूरे 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 विश्व में जो है ये इनका काम होता है। तो अभी इन्होंने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जो है जो मीन्स रिलीजन ऑफ फ्रीडम है उस पर कुछ कंसर्न जो है जाहिर किए हुए हैं, जिसको और फिर कहा कि जो है जो जो इंडिया में जो आपका रिलीजन ऑफ फ्रीडम है वो ठीक नहीं है, तो उसी पे इंडिया ने उनके जो क्लेम्स थे उनको जो है रिजेक्ट किया है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपका, नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही छोटा सा है, इसको जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट जान लीजिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन, ये इन कंट्रीज ने जो है जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूज़ चैनल है, ठीक है आपका जैसे मान लीजिए आज तक ही है, ठीक है वो न्यूज़ जो है पब्लिश करता है, तो जो हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के भी हैं जैसे हमारा गूगल हो गया, आपका आपका जो है फेसबुक हो गया, तो ये सब क्या करते हैं उनके न्यूज़ को जो है अपने प्लेटफॉर्म पे जो है कॉपी पेस्ट करके जो है फिर उसको पब्लिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो कोई मान लो जो न्यूज़ चैनल है वो तो आज तक वो हमारे इंडिया में ही है लेकिन जो फेसबुक है और जो गूगल है वो पूरा उनका वर्ल्ड वाइड रीच है, तो उससे उनको ज़्यादा फायदा होता है, बल्कि जो आज तक वाले हैं उनको जो है कम फायदा होगा ना, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर लोकेशन पर ही इंडिया में ही है और वो पूरे विश्व में है। तो अभी COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में जो है इन जो भी हमारे न्यूज़ एजेंसीज हैं, पब्लिशर्स हैं, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसी के चलते जो है जो ये तीन
कंट्री हमने बात की, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और स्पेन, इन्होंने जो है जितने भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हैं, गूगल हो गया, फ्रांस सॉरी गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इनके ऊपर जो है फ़ी लगाने की बात की है कि आप जो है जो हमारे जो जो भी आप कहीं से भी आप किसी के भी न्यूज़ को अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, तो आप उनको उतने उसी के एवज में उनको आप उतना पैसा दीजिए। तो ये पूरा ये कॉन्टेक्स्ट है इंपॉर्टेंट। तो बात कर रहे हैं इस पूरे आर्टिकल में कि क्या गवर्नमेंट को जो है इंटरवीन करना चाहिए, जो हमारे आपके प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक और गूगल और जो पब्लिशर्स हैं, जो भी आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके मध्य जो है जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या ज़रूरी है, ये पूरे आर्टिकल बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है कि नेक्स्ट आर्टिकल आपका जो है कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में है। तो ये हमने पहले भी जो है डिस्कस किया था, आप शॉर्ट में समझ लीजिए प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है फ्रेंड्स, ये जैसे मान लीजिए कोई भी डिजीज किसी को है और उससे वो ओवरकम मतलब उससे वो ठीक हो चुका है, तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी होगी डेवलप और वो उससे उस डिजीज़ के लिए इम्यून हो जाएगा, मतलब फिर से उसको वो डिजीज़ नहीं होगी। तो फिर जो उसके ब्लड में प्लाज्मा होता है, जो आपका लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, फिर उसको हम लोग सकआउट कर लेते हैं और फिर उसको जो भी आपके डिजीज़ पेशेंट हैं किसी भी डिजीज़ के, तो उस फिर उनके बॉडी में उसको इंजेक्ट कर लेते हैं ताकि उनकी बॉडी एक एंटीबॉडी डेवलप करे और वो भी उस डिजीज़ से जो है लड़ने में उनको सहायता मिले। तो इसी के चलते COVID-19 में इस थेरेपी का इस्तेमाल करने की बात की गई थी, ठीक है। लेकिन इसकी फिर करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, करंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि कुछ स्टेट में पहले तो लागू किया गया जैसे कर्नाटका, दिल्ली में, लेकिन फिर अभी परसों जो है हेल्थ मिनिस्ट्री में इसमें यू टर्न ले लिया है और कहा है कि ये जो है अभी इसमें इसकी जो एफिकेसी है और जो इसमें वो है उसमें संशय है, तो अभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये आपका करंट कॉन्टेक्स्ट है फ्रेंड्स। तो हम जान लेते हैं क्या क्या इश्यूज इससे जुड़े हुए हैं। तो जो ICMR में अभी रिसर्च इसमें चल रही है, तो उन्होंने कुछ जो है इश्यूज जाहिर किए हैं। उसमें क्या कहें, उसमें कहें कि ऐसे इसको यूज़ करने से कुछ पेशेंट्स में जहाँ जहाँ भी यूज़ किया गया है कि कुछ माइल्ड रिएक्शंस दिखे, जैसे आपका फीवर हो गया, इचिंग हो गया, कुछ लहाट वगैरह और कुछ जैसे आपके जो है मिस कुछ एलर्जी दिख रहे हैं कुछ पेशेंट्स में, और कुछ पेशेंट में जो है लंग इंजरी, मतलब कि कुछ उनके फेफड़ों में कुछ ऐसे इंजरी भी हुई है प्लाज्मा थेरेपी के यूज़ के बाद से। तो ये आपके कुछ जो है इश्यूज जुड़े हुए थे और चैलेंजेस क्या क्या हैं इससे जुड़े हुए। इसमें बात करते हैं कि चैलेंजेस कौन कौन से हैं, कि इसके लिए प्रॉपरली आपको जो है ब्लड बैंक जो है मिस करना ज़रूरी है और जो पेशेंट हैं उनके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप जो है प्लाज्मा को डोनेट करें, क्योंकि जो है ये ऐसे ही अभी पूरा एक समझ रहे हैं कि महामारी पूरी फैली हुई है, तो इससे लोग भी आने में कतरा रहे हैं, तो ज़्यादा डोनेशन की भी आवश्यकता है, ये भी एक चैलेंज है। और इसके लिए ट्रेंड पर्सनल की भी आवश्यकता है, इक्विपमेंट की भी जो है बहुत ही आवश्यक है, और एडिक्वेट अमाउंट में जो है क्या बोलते हैं एंटीबॉडी की भी आवश्यकता है। तो ये है, ये सब आपका जो है क्या बोलते हैं इसमें जो है चैलेंजेस बता रहे हैं। फिर आगे क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि एक मेडिकल एथिक्स की बात करते हैं। तो मेडिकल एथिक्स क्या कहता है, जो मेडिकल एथिक्स का प्रिंसिपल क्या है आपका, डू नॉट हार्म, मतलब कि किसी को भी जो है नुकसान ना पहुँचे, मतलब कोई भी मतलब नुकसान मेनली ना पहुँचे। तो आगे कहते हैं कोई भी ड्रग होता है अगर उसकी सर्टेनिटी, उसकी इफेक्टिविटी, उसकी एफिकेसी को अगर चेक करना है तो उसमें रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करना पड़ता है, तभी जो है उसकी एफिकेसी को चेक कर सकते। मतलब क्या है इसका, इसको शॉर्ट में जान लेते हैं कि ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल जो है ड्रग मतलब कह सकते हैं, जब कोई भी करते हैं तो पेशेंट उनको यूज़ किया जाता है। तो ऐसे करते हैं कि मान लीजिए 5-10 लोग हैं, तो 5 लोगों पे इसको यूज़ करेंगे और 5 लोगों पे यूज़ नहीं करेंगे, तो जो 5 लोगों पे जो भी रिजल्ट आएगा उसी के बेसिस पे जो ड्रग है ठीक है, उस पर अगर मान लीजिए 5 लोगों पे उससे बेनिफिट उनको हुआ है, तो फिर उसको जो है आगे लागू करते हैं। तो अंत में क्या कहते हैं, अंत में ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो है आप एक ही जो भी आपका मेथड है, जो भी थेरेपी है, जो भी अभी अल्टरनेटिव है, उस पर फोकस किया जाए, बल्कि और भी जो भी हमारे मिस आपके मेथड हैं, जो भी आपके जो है प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं आपका, जैसे ऑक्सीजन थेरेपी हो गया, एंटीवायरल्स जो भी आपके हो गए, एंटीबॉडीज मीन्स आपका बायोटी हो गया, जो आपके मिस हॉस्पिटल कोर्सेज हैं उसको भी जो है मिस आपको अपनाने की आवश्यकता है इस समय, ना कि सिर्फ प्लाज्मा थेरेपी पे डिपेंड रहें। और क्या है, और कह रहे हैं कि जो आपका हेल्थ सिस्टम है हर लेवल पे, आपका प्राइमरी होगा, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, उन सबको स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं जो आपके आपका सप्लाई चेन है और जो आपके लॉजिस्टिक्स हैं, और क्या है, और जो आपके हेल्थ वर्कर हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमने केसेस देखे उनके ऊपर वायलेंस भी हुआ है, तो उसकी बात कर रहे हैं। आगे क्या बात कर रहे हैं कि जो आपका कफ एटिकेट है, मतलब किस तरह खांसा जाए किस तरह, और जो आपका क्वारंटाइन करने की वो है, और जो टेस्टिंग की फैसिलिटी है उसको भी एक्यूरेसी की ये बात करते हैं आगे इस पूरे आर्टिकल में। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, थैंक